क्या मामला था आज, क्या हुआ? एक हफ्ता पहले बूढ़े से सद्दाम भाई हमारा बहुत सीधा साधा एक दुकानदारी करने वाला लड़का था, उसको कुछ लड़कों ने बहला फुसला कर लेकर अपने साथ गए कुछ काम के लिए, और रास्ते में जाके उन्होंने कुछ गुंडे बिठा रखे थे, उनसे उनको उसको राड़ों और डंडे और तलवारों से मरवाया, जिससे उसकी जान चली गई। तो आज आप क्या करने आए थे? आज हम क्योंकि उसके 7 दिन हो गया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी को अरेस्ट नहीं किया गया, इसलिए SP साहब को मिलने आए थे। सर कौन लड़की है जिनके साथ वो गया था घर से? उनके नाम हमने दे दिए, कुछ के नाम हमने दे दिए, कुछ तफ्तीश चल रही है, CIA 2 वाले तफ्तीश कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, जिस जिसके भी नाम आएंगे, लगभग 15 लड़के थे, हम ये चाहते हैं अभी नजायज़ तो कोई फंसे ना, जिसने गलत काम किया, जिसने उसको मारा है, जिसने उसको टच भी किया है, उसको सजा दिलवा कर रहेंगे, और ये हमारा भी संकल्प है, अगर ये अब भी कार्रवाई नहीं होती है तो इसके बाद हम फिर इससे बड़ा भी प्रदर्शन करेंगे, और इससे बड़ा कोई भी रोड जाम करेंगे, जो भी होगा वो करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि प्रशासन हमारा शादा लड़का लगभग 27-28 साल का मामला क्या रंजिश थी या कोई आपसी? कोई मतलब उसकी रंजिश, कोई रंजिश नहीं थी, क्योंकि आजकल वो अपने दुकानदारी चला रहा था अपने आराम से, कोई किसी के साथ कोई रंजिश नहीं रख रहा था आजकल। तो सूचना क्या आई थी इसके मृतों ने, क्या सूचना मिली? मैं बताता हूँ जी, कुछ छोटे मेरा छोटा ब्रदर था जी, मेरा नाम चांद है, उसका नाम शादाब था जो उनसे जिसका मर्डर हुआ है। एक्चुअली क्या है, उसको कुछ लड़के, उसकी दुकान है रेडीमेड की बूढ़े में थाने के पास ही, तो कुछ लड़के मातरपुर गांव में ले गए बुला करके, हमें कुछ सामान लेना है, वो वहाँ पे ऑलरेडी 10-12 लड़के बैठे हुए थे, इसकी फील्डिंग लगा रखी थी, तो उसको बहुत बुरी तरह मारा वहाँ पे, और जिस टाइम उनसे फ़ोन आया था हमारे पास मातरपुर से, किसी लड़के आपके भाई के यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़कों ने मार दी शॉट, एम्बुलेंस लेके हम वहाँ पे पहुँचे, और जब इसे हॉस्पिटल में लेके हॉस्पिटल में इसके ट्रॉमा सेंटर में उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया था, हमारे लड़के का मर्डर कराया उन्होंने, ट्रांसफ़र कर दिया था सिविल में, लेकिन हम उसको गापा हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ पर जाते ही गापा हॉस्पिटल में उन्होंने कहा कि भाई लड़का बड़ा सीरियस, उसको चंडीगढ़ ले जाओ, लेकिन चंडीगढ़ जाने का टाइम नहीं था, उसकी वही मौके पर मौत हो गई। प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हो क्या? अभी तक तो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि एक हफ्ता हो गया कोई भी लड़का नहीं पकड़ा गया, और जो पकड़े गए जो लड़के ने मरते हुए बयान दिए थे, ये इतने आदमी मैंने पहचानने हैं, बाकी प्रशासन को, लेकिन जो उसमें नाम लिखे हुए हैं उनमें से 5-4 लड़के उठाए थे, और उनमें से प्रशासन अपनी तरफ से तस्दीक करके उनको 2 आदमी छोड़ दिए गए हैं। ये शक नहीं हमें किसी को, लेकिन जो थाना बूढ़िया लगता है जी, क्या वहाँ पे जो तैनात पुलिस कर्मचारी उनकी जांच पे भरोसा नहीं आपको? पूरा भरोसा है, लेकिन ये सिर्फ दुख है इस बात का, जो लड़के हमारा भाई बयान दे गया था कि ये आदमी थे, उनमें से 2 आदमी वो क्यों छोड़ दिए गए, किस बेस पे छोड़ दिए गए, ये नहीं हमारे। कितने आदमियों ने किया है सर? 10-15 ये कम से कम 12-13 तो उन्होंने बताया थे गाँव वाले, लेकिन कोई बता रहा है ज्यादा थे हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है 10 से 12 से ऊपर ही थे। पुलिस ने कितने अरेस्ट किए अब तक? अभी कुछ बता नहीं रही पुलिस सही तरह, तो CIA हमारे को पूरा आश्वासन दिया है ऐसा कुछ नहीं है, और जो भी 10 दिन के अंदर सारी कार्रवाई कर दी जाएगी, ऐसी बात भारी संख्या में आप सब यहाँ पर आए हैं इस उम्मीद के साथ कि आज इंसाफ मिल जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, अगर अभी इंसाफ नहीं मिलता है तो आगे से इससे भी 10 गुने ज्यादा आएंगे। अगला कदम होगा? अगला कदम देखते हैं जब, अभी तो हम इंतजार करेंगे। कितने दिन बीत गए मर्डर को? 7 दिन हो गए हैं। कोई रेस्ट नहीं हुआ? कोई रेस्ट नहीं हुआ, जो रेस्ट हुआ जी, आपको लगता है कानून व्यवस्था जल्दी आपकी सुनवाई होगी? हमें उम्मीद है आपकी, आप उनके भी तहे दिल है। और दूसरी बात ये है, पहले मर्डर आया था साढ़े ये भाई साहब ऐसे हैं, ये एक हमारे पास एक मौजूदा एक सबूत ऐसा है, क्योंकि ये एक दुखी आदमी है, इसके बेटे को भी उन आदमी ने मारा था जो इस मर्डर केस में शामिल है। आपको इंसाफ मिला? ना जी। तो आपको इकबाल जी क्या उम्मीद है? पुलिस भी बिकी और जज भी बिक गया, सब बिक गया। आपका कितने उम्र का था आपका लड़का? वो तो 28 साल का था, जवान लड़का था। इंसाफ मिला? हाँ जी, इंसाफ नहीं मिला मुझे। कितने दिन पहले की घटना? 3.5 साल। 3.5 साल पहले?
ये तो इस तरीके से अगर क्राइम बढ़ता चला गया तो आगे बड़ी दिक्कत हो जाएगी किसी को भी, शरीफ आदमी को और कोई भी सीधे साधे आदमी को बाहर निकलना दुभर हो जाएगा। यहाँ तो ऐसा हालात हो जाएंगे जैसे भी दिन में जैसे उसको किसी जानवर को काटते हो लोग इस तरीके से। ये सरकार की नाकामी है, इसमें हम सरकार की नाकामी को अहम रोल मानते हैं सरकार का, क्योंकि आप यहाँ पर उम्मीद से आए हैं लेकिन उनकी उम्मीद वो बता रहे हैं कि मर गए किसी से भावुक हो। हमें तो ऐसा नहीं होने देंगे। अब आपके साथ इनको भी न्याय मिलने की आस जगी है अंकल जी, आपको क्या कहना चाहेंगे? इनको हम साथ लेकर चलेंगे, ये हमारे साथ रहेंगे लेकिन हम शांति से नहीं बैठेंगे। तो देखा आपने किस तरह से पूरा मुद्दा यहाँ पर था, सभी बात आप तक पहुँचाई है। किस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रशासन से अपील इन्होंने की है कि जो हादसा इनके साथ हुआ है, पहले भी 3 साल पहले भी एक मर्डर इसी तरह से हुआ था जिसको अब तक इनके मुताबिक न्याय नहीं मिला है, तो हमारी भी यही अपील रहेगी कि जल्द से जल्द जो भी दोषी इस हादसे में, इस मर्डर में इन्वॉल्व है, उनको जल्द से जल्द सजा मिले ताकि आने वाले समय में ऐसी मर्डर की संख्या और ना बढ़े, इन पर रोकथाम लगाया जाए। और यमुनानगर में ये जो भी खून खराबे, जो भी पूरे देश में ये जो भी मर्डर हो रहे हैं, ये पूरी तरह से बंद हो सके। HR71, मैं यमुनानगर से वसुंधरा कांबुज। चटपटे मसालों से प्यार का जादू चलाकर अपनों में खुशियां बिखेरे, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी गुरुजी नमकीन, आपके हर स्वाद के लिए गुरुजी भुजिया एंड मिक्सचर नमकीन, सॉल्टेड पीनट्स, मूंग दाल जैसी हर बेहतरीन टेस्ट नमकीन है गुरुजी नमकीन, घर घर है गुरुजी नमकीन, गुरुजी नमकीन, स्वाद अपने देश का।